आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के चेहरे पर थूकने का काम और चप्पल से मारने का काम करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो पिछड़े वर्ग के समाज के हमारे पिछड़े समाज के प्रदेश के नेता थे आदरणीय महेंद्र चौहान जी, उन्होंने बस इतना कहा कि इस तस्वीर को मारने से क्या आपको मिलेगा। उसी पे दौड़ा दौड़ा करके गालियां देते हुए आप सबको, आप सब लोगों ने तो देखा है वीडियो, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। और असलहे के साथ ये देखिए दौड़ा दौड़ा के जहाँ पे प्रशासन और शासन बैठा हो उसके नाक के नीचे हमारे कार्यकर्ता की पिटाई हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो क्या सकता है। अभी भाजपा के जो नेता लोग कह रहे हैं कि ये सब सपा की सुनोजी चाल है। अब ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय झूठा पार्टी, ये हमेशा झूठ बोलने का काम करती है, समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करती है। ये कभी समाज को, आज इनसे हमारी देश की संस्कृति को खतरा है, मैं देश की एकता अखंडता को खतरा है। इन्होंने नफरत के बीज इस देश के अंदर बोने का काम किया है। इनसे आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि देश को एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ये हमेशा तोड़ने का, आज देश बेचने का काम हो रहा है। सपा जो है कहा जा रहा है कि सपा है, ये उन लोगों जिन्होंने कहा है वो बेल बुनियाद उनका आरोप है। इसमें कहीं कोई वो चौहान समाज के लोग अपने पैरों से अपने संसाधन से समाजवादी पार्टी का, उसमें इतनी मांग है कि जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर इस तरीके का हमला किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो समाजवादी पार्टी आंदोलन के, अभी तो समाजवादी पार्टी ने पत्रक दिया है, अभी समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता के लिए जिस दिन आंदोलन सड़कों पे आ जाएगी तो यहाँ त्राहिमाम करने लगेगा पूरा प्रदेश। धन्यवाद, थैंक यू।